नमस्कार, आइए इस आग पर प्रकाश डालने से पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप उसे नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लें इनकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पर्व से थोड़ी सी नीचे रह गई है, जो व्यक्ति के अंदर थोड़ा जल्दबाजी पैदा करती है, या सही समय पर आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लेने के कारण आप जीवन में नुकसान उठा सकते हैं। आप दूसरों की बात को सही रूप से पहले धीरे धीरे समझें और उसके बाद जब पूरी तरीके से उस पर फैसला लेकर के आप उसको जवाब दें, ये आपके लिए ज़्यादा हितकारी होगा। कुल मिलाकर के जीवन में व्यक्ति के पास, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि का स्तर अच्छा है। बात कर लेते हैं आपके दूसरे पद की। यहाँ दूसरा साथ के साथ उंगली जो आपकी खड़ी हुई है, ये दूसरी उंगली आपकी सूर्य की उंगली, और सूर्य की उंगली यहाँ पर अच्छे प्रकार से खड़ी हुई है, जिसका जो जुड़ी हुई है यहाँ पर एकदम शनि के साथ में एकदम जुड़ी हुई रेखा आपकी, जो इस बात को बताती है कि आपको जीवन के अंदर जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल सूर्य की ये उंगली एकदम बढ़िया, जो आप मन से पवित्र है व्यक्ति और अपने माता पिता और अपने परिवार को बहुत प्यार करने वाला है। सारी की सारी उंगलियों पर अगर मैं देखता हूँ तो शंकु बने हुए हैं, जो अच्छे एक तरीके से ग्रहण शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। और यहाँ अगर जो आपकी सूर्य की उंगलियाँ हैं इन पर जो ये कट हैं, ये अपने आप में व्यक्ति को थोड़ा सा इस बात को कहती हैं कि भाई राज्य सरकार से व्यक्ति को ज़्यादा जल्दी से लाभ नहीं मिल पाता है। अब बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ टावर अच्छा है, उंगली सही है, शनि की ढैया 7.5 आप पर ज़्यादा प्रभाव नहीं करेगी। और कुल मिलाकर के यदि मैं देखूं तो नीचे का ये कट इस बात को बताते हैं कि बहुत सावधानी रखें किसी को अपना धन देने में, वरना वो व्यक्ति आपका धन लेकर के आपको बहुत आसानी के साथ नहीं देगा, देगा बहुत आसानी के साथ नहीं देगा। बृहस्पति की उंगली का जुड़ा पूरी तरीके से शनि की उंगली के साथ, आप अपने कर्म के द्वारा, आप अपनी बुद्धि के द्वारा, आप अपनी ईमानदारी के साथ धन कमाने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही साथ आप पूजा पाठ, ईश्वर भक्ति ये सब भी करने वाले व्यक्ति हैं। एक कट लगा हुआ है, थोड़ा सा जल्दबाजी से बचें, ये मैं यहाँ दोबारा से दोहराता हूँ। तो बुद्धि आपके पास यहाँ भी ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर बुध पर्वत की। ये बुध पर्वत और बुध पर्वत पर ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, ये सब की सब सहायक रेखाएं हैं, छोटे रूप में हो बड़े रूप में हो, जब जब ये पास आपके पास होंगी अच्छी रेखाएं, तो ये आपको बताएंगे कि आपके अंदर व्यापारिक क्षमता भी बहुत अच्छी तरीके की है और धन के आगमन आपके पास जीवन में लगातार बने रहेंगे, स्थिति चाहे खराब हो और चाहे अच्छी की हो। अब बात कर लेते हैं आपके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व और सूर्य पर्वत पर नीचे की तरफ से ट्रायंगल बन करके ये खड़ी हुई रेखाएं, और यहाँ इस तरीके से ये आती हुई रेखाएं जो आपको इस बात को दर्शाती हैं कि आप राज्य सरकार से किसी ना किसी रूप से जुड़ करके आप जीवन में धन कमा सकते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ बिल्कुल कि सरकारी नौकरी के पूरे पूरे उपक्रम आपके पास में हैं। यदि आप ने अपने प्रयास किया होगा समय अनुरूप, तो आपको निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब के पूरे चांस यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। तो यहाँ ये भी है, साथ ही साथ सरकार के उपकरणों से आप किसी ना किसी रूप से जुड़ करके धन कमाएंगे, ये आपके सूर्य पर्वत ने बताया और रेखाओं ने बताया। अब बात कर लेते हैं आपके एक पर्व, धन पर्व। धन पर्व, धन पर्व के अंदर एक तरह से यह त्रिशूल बना हुआ है। मैंने हमेशा कहा है श्री म्रीम क्लीम जैसा ये त्रिशूल जब जब व्यक्ति को मिलता है, जो जीवन के अंदर व्यक्ति सिर्फ धन कमाता ही नहीं है, धन को दान की इच्छाएं भी रखता है और ज्ञान के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाता है। आइए बृहस्पति पर्व को देख लें। ये बृहस्पति पर्व से जाती हुई ज्ञान क्षेत्र को रेखाएं जो फिर एक बार प्रमाणित कर रही हैं कि आपके अंदर ज्ञान की परिकाष्ठा कितनी है। ऐसा व्यक्ति कदम कदम पर धन कमा लेता है। तो यहाँ ये अच्छी इंडिकेशंस, साथ ही साथ 2 से 3 आपके जीवन के अंदर मकान बनाने वाला इंडिकेशन बृहस्पति पर्वत बता रहा है। अब बात कर लें आपके बृहस्पति पर्व के इस मुख्य रेखा हृदय रेखा, और यहाँ पर साथ ही साथ आपकी विवाह रेखाएं जो वहाँ पर हैं, ये जाकर पहुँच गया बृहस्पति पर्व को। ये बहुत खराब इंडिकेशंस माना जाता है वैवाहिक जीवन के लिए। तो यदि यहाँ पर कुल मिलाकर ये अगर मैं देखूँ और हृदय रेखा को ये काटती हुई रेखाएं, ये वैसे व्यक्ति को जीवन के अंदर पत्नी के साथ में बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेदों को दर्शाती है। कई बार तो मैंने देखा कि ऐसे व्यक्तियों के विवाह भी नहीं होते हैं या वो करते भी नहीं हैं।
तो ये यहाँ पर बहुत आपका एक खराब इंडिकेशंस मुझको हाथ के अंदर देखने के लिए मिला है। अब मैं बात करता हूँ आपके एक और पर्व की, इसको बोलते थे हैं मंगल का पर्व। मंगल पर्व, और मंगल पर्व से इतनी सारी रेखाएं साहस की कारक निकलती हुई सीधे सीधे धन पर्व तक, यश पर्व तक जाती हुई, जादमी के अंदर जिद है कि मैं अपनी मेहनत के द्वारा अपने आप को सिद्ध कर दूंगा, मुझे लोग बाग जानेंगे भी, मैं धन भी कमाऊंगा, मैं सम्मान भी कमाऊंगा। ये सब इंडिकेशंस इनके हाथ के अंदर बहुत मेहनत कराने वाले, मुसीबतों से बहुत मुसीबतें आएंगी, लेकिन मुसीबतों को जीत करके जाने की जिद की ये रेखाएँ हाथ के अंदर दिखाई पड़ती हैं, जो हर पर्वत को काटती हुई जा रही हैं। यानी अगर मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा बड़ी मोटी है, जीवन में कितनी भी कठिनाई बहुत आएंगी इनके पास कठिनाइयाँ, क्योंकि मंगल रेखाओं ने, राहु रेखाओं ने बहुत इनको काटा है, तो बहुत आएंगी। लेकिन ये व्यक्ति अपने इरादे का मजबूत, यहाँ से नहीं बहुत बहुत दूर तक इस व्यक्ति की पहचान बनेगी, और ऐसा व्यक्ति विदेश तक में भी जा करके अपनी पहचान बना आता है। अब बात हो गई आपकी, इसके बाद में बात कर लेता हूँ मैं आपकी, यहाँ पर आपके पास देखिए चंद्र पर्वत को ले लेता हूँ। चंद्र पर्वत पर कितनी सारी रेखाएं हैं जो इस बात को दर्शित करती हैं कि आप दूर स्थानों से जुड़ करके दूर दूर तक ख्याति भी प्राप्त करेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ तो आपकी भाग्य रेखा का जो उदय है वो भी दूर स्थान से होकर के चला है यहाँ, जहाँ एक तरीके से ये जाकर के बिल्कुल ऊपर तक सीधी रेखा चली गई है। तो ये दूर स्थानों से जुड़ करके आप अपने धन बन कमाएंगे, आप सम्मान कमाएंगे, आप नाम कमाएंगे। ये आपके हाथ के अंदर रेखा, एक भाग्य रेखा जो पैतृक संपत्ति के रूप में भी निकल रही है, यानी परिवार से भी आप मजबूत हैं, परिवार का सपोर्ट भी आपके साथ में है। ये यहाँ पर इस प्रकार की दर्शित रेखाएं इस बात को बताती हैं। अब बात करते हैं आपके, ये एक शुक्र पर्वत से निकल करके सीधे धन पर्व को एक रेखा जा रही है। जब जब इस तरह की स्थितियाँ देखी जाती हैं तो दूर स्थानों में एक और बात होगी, यानी ऐसा व्यक्ति विदेश में जा करके बस भी सकता है और विदेश से जा करके धन भी कमाता है। तो ये भी आपके यहाँ पर धातु के अंदर ये रेखाएं भी यहाँ मैंने आपको बताई हैं। आपका सवाल है पाम के बारे में, तो मैंने काफ़ी कुछ बोल ही दिया है, जैसे मैं आपको बता दूंगा। आपने पूछा है कौन सा काम करें, क्या क्या चिन्ह है। देखिए अगर चिन्हों की बात करें तो आपको बहुत सारे, आपके हाथ के अंदर इतने सारे ट्रायंगल मिल जाएंगे कि त्रिभुज ही त्रिभुज पूरे हाथ में, देखकर बताएं जरा 10-5 बता दीजिए इनको कि ये यहाँ पर देखिए आपको यहाँ भी त्रिभुज दिखाई देगा, आपको इसका बड़ा त्रिभुज दिखाई देगा, आपको छोटा त्रिभुज दिखाई देगा, नीचे देखो तो मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज दिखाई देगा, और यहाँ अगर देखें तो आप तो इसको भी त्रिभुज कहेंगे, लेकिन कोई भी स्वतंत्र त्रिभुज आपके हाथ के अंदर नहीं है, सब दूषित त्रिभुज आपके हाथ में है। जब तक स्वतंत्र चिन्ह नहीं मिलेगा, और कई हमारे मित्रगण हैं वो तो आपके हाथ के अंदर 50 मछली बना देंगे, मैं भी बना दूंगा, लेकिन जिन चीज़ों को मैं अपने हिसाब से स्वतंत्र नहीं मानता, मैं उनको न मछली का रूप मानता हूँ, न त्रिभुज का रूप मानता हूँ, न चतुर्भुज का रूप मानता हूँ, सबके सब यहाँ दूषित चिन्ह आपके हाथ के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। आपके जीवन के अंदर भाग्य रेखा की बात करूँ यदि मैं, तो देखिए ये भाग्य रेखा आपकी बहुत बढ़िया थी, मैंने पढ़ी, सहायक रेखा भी साथ में एक और भी है, भाग्य रेखा है साथ में ये सहायक रेखा है, इधर देखें तो यहाँ भी सहायक रेखाएं खड़ी हैं, इधर देखें तो मंगल पर्वत से भी सहायक रेखाएं आ रही हैं। व्यक्ति एक नहीं कई कई हिसाब से धन कमाता है। आपके हाथ में व्यापारिक रेखाएं भी दिखाई देती हैं, यहाँ भी व्यापारिक रेखाएं, सूर्य पर्वत को यश कमाने वाली रेखाएं, तो इतनी सारी रेखाएं हाथ के अंदर जो बता रही हैं, आप जरूर आपको भ्रमित करती होंगी कि इतनी सारी रेखाएं इनके क्या क्या फल हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, आपने पूछा है कि मेरा काम कौन सा बनता है, यदि मैं कुल मिलाकर आपके हाथ के काम को देखता हूं तो मुझे अध्ययन का, अध्यापन का, मार्केटिंग का, सेल्स डिपार्टमेंट का, एजुकेशन के क्षेत्र का, एजुकेशन में बहुत से कोचिंग सेंटर्स खोल लेते हैं उनके द्वारा, तो फाइनेंस का, ये इस तरीके के काम आपके हाथ के अंदर ज़्यादा बनते हैं। यानी कि निश्चित रूप से आप जो है कुछ भी एजुकेशन से संबंधित वर्क के द्वारा ही जीवन में ज़्यादा तरक्की उन्नति प्राप्त करेंगे। सरकारी नौकरी तक भी अगर आप करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी, और विदेशों से संबंध भी मैं बोल ही चुका हूँ हाथ के अंदर का। तो बहुत कुछ रेखाएँ आपकी बताती हैं। बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपकी आयु रेखा की, ये आपकी आयु रेखा,
और आयु रेखा पर इतनी सारी मंगल रेखाओं ने काट ही दिया, यानी कदम कदम पर जीवन के संघर्ष से ना घबराने वाला व्यक्ति, इसको बहुत जीवन में संघर्ष है। अगर मैं हर उम्र पर बोलता जाऊंगा तो दोस्त आपको जीवन में बहुत संघर्ष है, लेकिन संघर्षों पर विजय प्राप्त करने वाला ये हाथ मेरे सामने है। तो ऐसा व्यक्ति संघर्षों पर विजय प्राप्त करके धन प्राप्त करता है। शुक्र पर्वत की बात करें, शुक्र पर्वत यहाँ बहुत ही एकदम बढ़िया और बिल्कुल लग्जीरियस जीवन आपके जीवन में बना रहेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो मैंने सब रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में, सब जितने भी शुभ अशुभ चिन्ह हैं सबके बारे में आपको बताया। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों को से मैंने आपको संतुष्ट कर दिया होगा। आपको मैं बता देता हूँ, यदि और ज़िंदगी में शांति और प्रकृति आप चाहते हैं तो आपको एक बेहतरीन पुखराज श्रीलंकर यहाँ पहनना होगा। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, आपके स्थान तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ रोजाना नित्य पूजा के अंदर आप श्री राम रक्षा स्रोत पढ़ लीजिए और साथ बाद में हनुमान अष्टक पढ़िए। बस इतना भर करिए, आपके जीवन में उन्नति तरक्की प्रकृति आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार।